जलंधर के फगवाड़ा गेट में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ दुकानों पर दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों से रेड की गई। रेड सैमसंग के अधिकारियों द्वारा करवाई गई थी। सैमसंग के अधिकारियों का कहना था कि जलंधर के फगवाड़ा गेट में सैमसंग का मार्का लगा हुआ डुप्लीकेट सामान बेचा जा रहा है, जिसके बाद सैमसंग के कुछ लोगों ने यहां आकर खरीदारी की और उनको कुछ डुप्लीकेट एलसीडी दी। उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली हाई कोर्ट में कर दी। हाई कोर्ट के निर्देशों पर आज पुलिस के साथ मिलकर उन दुकानों पर रेड की गई और उनके वहां से 16 के करीब एलसीडी मिली, जिनको वो अपने साथ जब्त कर ले गए। इस पूरे मामले में ना तो हाई कोर्ट के नुमाइंदे और ना ही सैमसंग के अधिकारी बोलने को तैयार थे, जिसके बाद पुलिस ने हुई कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी। दस एम सी डी एक पासे आ जी, शेक एक पासे आ जिड़ियाँ इन्हों शक्की पाई गई इन्हें सील की सोलह सोलह वहीं इस पूरे मामले में दुकानदारों का कहना है कि कोई भी एलसीडी डुप्लीकेट नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट के द्वारा मंगवाई गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वारंटी भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ एलसीडी उनके पास रिपेयर के लिए आई हुई थी। आए थे ये होंगे जी ओरिजिनल पीस होंगे, ग्रे मार्केट होंगे जो बाहरों इंपोर्ट कराए जाते हैं। उन्होंने होंगे कि भी असं बिल से बेचते हैं, इन्हों के उत्ते लिखा होंगे जिदा पीसा के उत्ते लिखा इंटरनेशनल वारंटी, ठीक है जी। ये होंगे ओरिजिनल पीस है, बाहरों आते हैं वो जिदा तीन कु पीस बार वाले पीस अपने उन्होंने किए, एक दो रिपेयर वाले पीस ही जो कस्टमर रिपेयर देकर जाते हैं, तो उन्होंने दो पीस रिपेयर वाले पे ने, तीन पीस जोड़े है जोड़े एग्जामिन करना आए थे ग्रे मार्केट के पीस है। तो बाकी जिदा कोई कार्रवाई अपन मेन जी दो दुकाना जी सैमसंग का स्टॉक बिलते है सारा, सारे जो माल है असं मोस्टली बिल है उन्होंने बिल दिखाए असं कंपनी वाले, तो जो दो तीन ग्रे पीस होंगे जिदा बहरों कोई आंदा वो दे जाते वधिया रेट के ग्रे ओरिजिनल पीस। जलंधर से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए रजत प्रीत सिंह की रिपोर्ट।